ऐसा ऐसा करके और इसको निकाल देंगे। ये देखिए आइसक्रीम बनके तैयार है, बिल्कुल बाजार जैसी कोकोनट की आइसक्रीम। एक दूसरे को भी रखो। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ आइसक्रीम बिल्कुल सरल तरीके से और कोकोनट आइसक्रीम बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए मैंने सारी तैयारी करके रख ली है। ये कस्टर्ड पाउडर है और मिल्क पाउडर है और ये कोकोनट है और ये चीनी है और इस बर्तन में मैं जमाऊंगी। तो ये सारी तैयारी कर ली है। तो अब मैं रखूंगी दूध। सबसे पहले मैं गैस में दूध रखूंगी, वो भी फुल क्रीम, और इसको चला चला के मैं गाढ़ा कर लूंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं दूध को गाढ़ा कर रही हूँ। इसको धीमा कर दिया, मीडियम आँच पे इसको बढ़िया से मैं इसको गाढ़ा करूँगी। जब तक मैं यहाँ तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने एक कस्टर्ड पाउडर इस एक कटोरी निकाल लिया है और एक कटोरी मैंने शक्कर ले ली है। एक कटोरी में मैं निकालूंगी कोकोनट पाउडर, इसको इसमें निकाल लेती हूँ। देखिए ये भी एक कटोरी है। अब इसको मैं ना ठंडा पानी डाल के घोल लूँगी कस्टर्ड पाउडर को। इसको चम्मच से घोल लेंगे। तो देखिए दोस्तों दूध गाढ़ा होने लगा है और यहाँ पे मैंने ये कस्टर्ड पाउडर घोल लिया है। तो इसको उबलते दूध में इसको डालना है। थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे और चलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। इससे इसमें गाढ़ा बना जाएगा। तो देखिए दोस्तों गैस मैंने बंद कर दी है। कस्टर्ड पाउडर से ये देखिए कितना गाढ़ा बना गया है दूध में, आप देख सकते हैं। देखिए मैं पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए ये दूध एकदम गाढ़ा हो गया है। तो अब इसी स्टेज पे मैं डालूंगी इसमें ये चीनी एक छोटी कटोरी से, और इसको मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों एक कटोरी मिल्क पाउडर है, उसमें मैं डालूंगी ये गुनगुना दूध और इसको अच्छा घोल लेंगे। ऐसे डालेंगे तो दोस्तों गुठली बन जाएगी। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, गुठली ना रहे। ये देखिए मैंने अच्छा मिल्क पाउडर घोल लिया। अब इस दूध में मैं इसको डाल दूँगी और मिक्स कर दूंगी। इसमें मिल्क पाउडर मैंने डाल दिया है। अब देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है दोस्तों। इसी स्टेज पे अब मैं डालूंगी इसमें कोकोनट। तो ये देखिए कोकोनट है और मैं इसमें डालने वाली हूँ सारा का सारा कोकोनट, और इसको कर देंगे मिक्स। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने कोकोनट को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा हो गया है। अब इसको ठंडा करेंगे, तो ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। तो इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर मैं इनको सेट कर दूंगी बर्तनों में। तो देखिए दोस्तों ये ठंडा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है, और ये बनके बिल्कुल तैयार है भरने के लिए। तो यहाँ मैंने बर्तन भी रख लिए हैं। ये देखिए डिस्पोजल है, कुछ गिलास ही, कुछ डिब्बा है, ये छोटी सी मटकी है। तो अब मैं इसमें भर दूंगी। ऐसे कर करके मैं सारे बर्तन ये भर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये सारे भर लिए हैं मैंने, और ये बड़ा वाला डिब्बा मैं गिलास से इसे भर देती हूँ। तो ये सारे बन लिए हैं। अब इनकी चम्मच डाल के इनको ऊपर से पैक कर देंगे। तो चलो पैक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें सारे में पेपर लगा दिया है, और एक में मैं आपको बताती हूँ ये मटकी है ना, वो इसमें ऐसा लगाएंगे, इसको ऐसा अच्छा पैक कर देंगे ऐसा दबा के ऐसा, और इसमें करेंगे छोटा सा होल, बीच में छोटा सा होल कर देंगे ऐसा, और इसमें डाल देंगे इसको ऐसा। ऐसे हम सारों में इनमें भी होल करके ये सारे सीख लगा देंगे। तो इसको स्टेप को ऐसा लगा देंगे, क्योंकि ये चार वाली बंद कर रहा। तो देखिए दोस्तों मैंने सब सेट करके रख दिया है। तो दोस्तों अब चलो चलते हैं, इसको फ्रीजर में रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इसमें रख देते हैं सेट होल। तो दोस्तों मैंने फ्रीजर में डाल दी है आइसक्रीम जमने कोकोनट, और इसको 8 से 9 घंटे तक इसको बंद कर देंगे, फिर निकाल के आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों अब आइसक्रीम को निकालेंगे फ्रीजर से बाहर। 8 से 9 घंटे हो गए हैं, तो इसको दोस्तों बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आइसक्रीम को फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। कोकोनट आइसक्रीम है, अब इसको ओपन करेंगे दोस्तों। तो इसको ओपन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको निकाल देंगे ऐसे, ये देखिए, और इसको करेंगे ऐसे थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके और इसको निकाल देंगे। ये देखिए आइसक्रीम बनके तैयार है, बिल्कुल बाजार जैसी कोकोनट की आइसक्रीम। एक दूसरे को भी निकालते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा इसको ऐसे ऐसे बस करना है, और ये देखिए आइसक्रीम तैयार है। ये देखिए कैसी है? अच्छी है।